सियासत में 2014 से 2024 तक आते आते काफी कुछ बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी में सियासी जड़ें मजबूत करने का काम किया था, उसे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए सेंधमारी करने में कामयाब रहे। अब पीडीए फॉर्मूले को एनकाउंटर करने के लिए मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कौशल किशोर ने पीडीए यानी दलित पिछड़ा अगड़ा यात्रा निकालने जा रहे हैं और इसे बीजेपी का बैकडोर प्लान कहा जा रहा है। पिछले महीने खत्म हुए लोकसभा चुनाव में ओबीसी और दलित वोट बैंक के खिसकने की कसक ने बीजेपी को भीतर तक हिलाकर रख दिया, क्योंकि पार्टी 62 से घटकर 33 सीट पर सिमट गई। यूपी को लेकर बीजेपी लगातार राजनीतिक मंथन में जुटी हुई है और अपने खिसके सियासी जनाधार को दोबारा से लाने की प्लानिंग में जुटी है। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने दलित और पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को वापस पार्टी की तरफ लाने का टास्क दिया है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित चेहरा माने जाने वाले कौशल किशोर ने सपा के पीडीए के खिलाफ डीपीए के फॉर्मूले को गांव-गांव तक पहुंचाने का ऐलान किया। अगले महीने 15 अगस्त के बाद सूबे में डीपीए यात्रा निकालने की कौशल किशोर ने हुंकार भरी है। उन्होंने लखनऊ में पारक महासंघ की तरफ से भारतीय संविधान है और रहेगा इस विषय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीपीए यात्रा निकालने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, SC ST और हर वर्ग के पिछड़े समाज को सशक्त करने का कार्य तेजी से करना है। इसके लिए सरकार के साथ साथ जनता को जागरूक होना भी जरूरी है। इसके लिए डीपीए मतलब दलित पिछड़ा अगड़ा का संविधान है और संविधान रहेगा। इस एजेंडे पर यात्रा पूरे प्रदेश में निकालेंगे। यात्रा के पहले चरण में लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली को शामिल किया जाएगा। इस दौरान लोगों के साथ संवाद और सभाओं का आयोजन कर विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया जाएगा। बता दें, सपा के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए भले ही कौशल किशोर अपने स्तर पर यात्रा निकाल रहे हों, लेकिन जिस तरह दलित और पिछड़े वर्ग को बीजेपी के पक्ष में लामबंद करना चाहते हैं, उसके चलते ही माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी का बैकडोर समर्थन हासिल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव गांव-गांव तक फैलाया, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। लेकिन बीजेपी ने भी दलित और पिछड़े वर्ग को फिर से जोड़ने के लिए अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इसके लिए फ्रंट पर बीजेपी के नेताओं को लगाया गया है। ऐसे में देखना है कि क्या बीजेपी अपने खिसके जनाधार का दोबारा से विश्वास हासिल कर पाएगी या नहीं।